जय जोहार संगवारी हो, सुंदरानी स्टूडियो में मैं निशा चौबे आप मन के स्वागत करत हूँ। और आज के हमार पहुना है जिकर अंदर अतेक गुण भरा है कि मैं बताहूँ तो आप मला समझ में नहीं आई, तो ओकर से आप मना खुदे मिल के रूबरू हो जिकर नाम है संजय मैथिल। तो आवा ऐसा पहुना से थोकन गुड बात कर सकते। संजय मैथिल जी सुंदरानी स्टूडियो में आप मन के स्वागत है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि का है कि आपके नाम बहुत बड़े है और हमारे संगवारी मतलब घलो बताना है और महू कुछ जानना चाहता हूँ आप मन से। तो ये जो आप जिस फील्ड में हो, जैसे निर्माता हो, निर्देशक हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, सभी गुण आपके अंदर भरे हैं, तो ये कब से? ये बचपन से है। मोर नाना जी जो है रही से नाथ गाँव के रवैया हूँ मैं। नाना जी मोर पृथ्वीराज कपूर जी के ग्रुप में काम कर रहे एक्टर ही से है ना, तो ओकर जो गुण है वो मोर अंदर आए से, एक्टिंग के गुण, म्यूजिक के गुण, लेखन के गुण, वो सब गुण नाना जी के मोर अंदर आए। आप मन अतिकन विधा से जुड़े हुए, तो कौन से विधा में आपका सबसे ज़्यादा मजा आते हैं? वैसे तो मैं सब विधा के मजा लेता हूँ, जब जो काम करता हूँ बहुत ईमानदारी से करता हूँ तो मजा आते हैं मोला। कबर की मोर कहना ये है कि जितने कलाकार मन हवे यहाँ कोनो भी काम करे, हालांकि एक विधा ला चुनना चाहिए ऐसे सबों की थे, लेकिन जब भी कोई कलाकार कोई काम करे वो ओकर एंजॉय करे, तो जब एंजॉय करी तो ओकर अंदर से क्रिएशन निकल ही, और क्रिएशन निकल ही तो एक नया नया चीज दर्शक मन ला देखे बार सुने बार मिली। जैसे कि संजय मैथिल बहुत बड़े नाम है, लेकिन वो नाम से हमार संगवारी मन घलो वंचित थे, तो ऐसे काबर आप कभी सामने आके काबर अपन आपला नहीं दिखाया? मामला ऐसे है कि अब तक मैं हाँ सिखाए पढ़ाए में ध्यान देवत रहे हूँ, काबर कि मोर एक्टिंग के क्लास भी चलते, जे बहुत अकन स्टूडेंट हैं मोर जो फिल्म मन में सामने काम करा थे, तो मैं थोड़ा पर्दा के पीछे रहा हूँ, तो निर्देशन में रहा हूँ, लेखन में रहा हूँ, म्यूजिक डायरेक्शन में रहा हूँ, ये सब काम में रहा हूँ। लेकिन अब जो है मोला बलवैया मना तो एक बलात है कि एक्टिंग में तो सर आ पाओ एक्टिंग करो, तो अब एक्टिंग में भी मैं लगातार आना शुरू करा था। जैसे कि सुंदरानी स्टूडियो से, सुंदरानी परिवार से आप मन के बहुत पुराना संबंध है और जिला अभी तक आप बरकरार रखे हो, बिल्कुल, तो क्या कहना चाहता हूँ मोहन सुंदरानी जी के लिए? मोहन सुंदरानी जी आज से नहीं जानो मैं, कम से कम 40 साल से जानता हूँ मैं, और जब पहली वीडियो फिल्म मनेरी से जय माँ बम्लेश्वरी तेने मैं विलेन रहा हूँ, और वो फिल्म से हमारे घरोबा जी से संबंध है सुंदरानी परिवार के साथ, तो जब भी ऐसे कोई काम होते तो मोला याद जरूर करते मोहन भाई है, तो कर मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम एक छाया तो है ओकर, और छत्तीसगढ़ के अब्बड़ कलाकार मन ला ओकर मार्गदर्शन मिलते, और यही मार्गदर्शन में का है इंडस्ट्री भी आगे बढ़ाते। जैसे कि आप मना फिल्मी दुनिया जो हमारे बॉलीवुड है उमा घलो जिन बड़े बड़े जो दिग्गज अभिनेता है उनकर मन से घलो आपके बड़े सुग्घर ट्यूनिंग है, तो कैसे लगते जब आप मन उनकर से मिलता हो गुड बात करता था? अब ऐसे है कि मैं हाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में रहे हूँ, कलाकार रहे हूँ, तो जितने कलाकार वहाँ के रही से और दिल्ली में जितने कलाकार रही से, बम्बई में जितने संबंध रही से कलाकार मन के साथ, तो उनकर मन के साथ सब दोस्ताना है मोर, तो ओकर वजह से कहा है आज भी हमन वैसे कोई बड़े छोटे तो है नहीं, कलाकार हन तो सब एक बरोबर हन, तो बात करते हैं इसमें आराम से। अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री है बहुत आगे बढ़ा थे, बहुत ग्रोथ करा थे, तो ओकर लिए आप मन का करत हो आगे के का है, आप कैसे रूप से देखना चाहते हो हमारे? अभी मैं अब तक अपना आप रोके रहे हूँ, लेकिन मैं ऐसे प्रोड्यूसर के इंतजार करता हूँ जो कंटेंट पे काम करे। सबसे जरूरत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट के, कहानी के, कथा के, और ये मामला में मैं यहाँ थोड़ा पीछे रहा हूँ कि जब तक मोला कोई ऐसे अपन मनमाफिक निर्माता नहीं मिले तब तक मैं यहाँ कोई काम करना पसंद नहीं करो। अब जाके जो है निर्माता मन में एक रुझान आते कि कंटेंट वाइज फिल्म बनना शुरू होते, तो ओकर पैक अब महू आगे आता हूँ मनला साथ दे पर कि एक अच्छा कहानी आए बाहर और दर्शक मनला भी अच्छा लगे। जैसे कि सर आप मन अति बढ़िया बढ़िया पिक्चर निर्देशन करता हो, तो कैसन टाइप के पिक्चर आपका निर्देशन करना अच्छा लगते हैं? अगर छत्तीसगढ़ में हो तो मोला छत्तीसगढ़ी पना बहुत अच्छा लगता है, वो खूबसूरती जो है छत्तीसगढ़ के माटी में है ओला ढंग से परोसना वो महत्वपूर्ण है, बाकी ओमे एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, जब तक ओमे व्यवसायीकरण नहीं हुई तब तक फिल्म चल ही नहीं है ना, तो कहानी अच्छा हो, व्यवसायीकरण हो और छत्तीसगढ़ी पना भी हो। पना भी।
अब वो तो रही से आपमन के निर्देशन के बाद, जैसे कि आप बहुत बढ़िया संगीतकार हो, आप अतका बढ़िया बढ़िया संगीत देते हो, तो वो संगीत के बारे में घलो हमर संगवारी मन ला थोकन बताओ। संगीत के मामला इसे जब एल्बम की शुरुआत हो रही से छत्तीसगढ़ में बहुत पहले, तब से हम संगीत करत आए हैं और सबले पहली मोर टी सीरीज वगैरह में निकले सब कैसेट मन है, अब तो निकलते छे करते छो, फिल्म भी करत हूँ और ऑडियो भी करत हूँ, एकर अलावा ड्रामा के भी म्यूजिक करता हूँ मैं, तो वो सब तरह के संगीत है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग संगीत बनते हुए, तो वो हिसाब से काम करना पसंद है मुला। अब मैं आता हूँ, आप मन थिएटर से जुड़े हुए हो शुरू से, तो का एक कलाकार ला जब वो कुछ एक्टिंग करते या कोनो पिक्चर में काम करते चाहे वो कुछ भी चीज में, तो का उला थिएटर से सीख के जाना चाहिए? जरूरी है कि या तो थिएटर करे तो वो कर एक झिझक भागी, या लोक कला मंच करे तो झिझक भागी, या विधिवत शिक्षा ले एक्टिंग के तो झिझक भागी, मतलब ये तीन काम होना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है तीनों विधा, मतलब मंच के जितना विधा है वो सब कुछ ना कुछ कलाकार ला एक नया जो आवत है हमारे क्षेत्र में ओला कुछ ना कुछ सिखाते जरूर। हाँ बस ओकर सीखे के तरीका कैसे है ओला समझना जरूरी है, काबर की फिल्म जो है तकनीकी मामला है, तो फिल्म के हिसाब से काम करना एक टेक्निकल चीज़ है, वो हिसाब से एक्टिंग करना पड़ता है, और थिएटर में यह रिटेक नहीं हुए, फिल्म में रिटेक में फिल्म बनते हैं। जैसे कि आप मन बड़ सुगर संगीतकार गीतकार हो, तो हम चाहो सर कि आप दो लाइन कम से कम कोई बढ़िया से गाना जो आप मन के पहला एल्बम हो जाए, जो जिन गाना ला पहले लिखे हो। पहले लिखे हो? हाँ पहला एल्बम के पहला गाना सुना था मैं, ले चल रे चल डोंग मोर डोंगा के देख ले टूट गए हावे रे पतवार, ले चल रे चल डोंग। बहुत बढ़िया, आप तो आपके अंदर अतका कन गुण तो भरे छे, वो गाना घलो आप बड़ सुघर गाते हो। तो मैं सर आपसे एक नई बात पूछना चाहता हूँ कि अति कन चीज से आप मन जुड़े हो, तो सबके लाइफ में कुछ ट्रिस्ट तो होते हैं, तो अति कन विधा से जुड़े हो, तो कोनो ऐसे भी तो आपके लाइफ में आए हुई जेकर से आप लोग कुछ स्पेशल महसूस हो गई? जैसे जैसे हम कह सकते हैं कोनो लड़की लग सकते हैं या आपके धर्म पत्नी लग सकते हैं। अब ऐसे है कि जब मोर ब्याह हो रही से तो पहली दिन में अपन पत्नी लग गए हूँ कि ते दूसरिया बीवी एस करके मोर ब्याह हो चुके हैं, तो वो थोड़ा घबरा गए, तो पूछे कि काकर से ब्याह हो गए, तो मैं बताया ओला मैं अपन कलाकारी से ब्याह करे हूँ, मोर कला मोर ब्याहता है, तो पहली ब्याहता हुई है, दूसरा ब्याहता मोर पत्नी है ना, तो एक लाइक जो है जीवन के बचपना से लेकर अभी तक मैं कला ही चाहता हूँ, वही नाम है। जैसे कि अवतेगन गुण भरे है, तो मैं तो अब मन ला कैसे पूछ नहीं सकूँ कि ये कैसे वो कैसे, तो सब व्यक्ति कोनो ना कोनो ला एक फॉलो करते हो कर ओला गाइड करते, तो आप मन अपन जीवन में कोनो ला फॉलो करे हो कोनो ला गाइड करे हो जेकर जिला आप मन जेकर मतलब गुण आपके में है? नहीं फॉलो नहीं करे हमें, हाँ बस ये है कि जो सीखे की जो इच्छा है मोर है ना, वो सीखे की इच्छा ही मोला आगे बढ़ाते हैं, मैं आज भी सीखत रहता हूँ, चाहे वो म्यूजिक में सीखूँ, चाहे डायरेक्शन में सीखूँ, चाहे लेखन में सीखूँ, चाहे एक्टिंग में सीखूँ, वो मैं सीखत रहता हूँ, तो फॉलो करना एक तरह से अनुसरण, एक तरह से कहना चाहिए कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट है ना, वहाँ मैं कॉपी पेस्ट वाला इंसान ना हूँ, मैं सिर्फ ये क्रिएशन करता हूँ मैं कि जो अंदर आवत है ओला पैदा करो, नया आन दो, हर दिन नया आन दो, तो वो क्रिएशन के हिसाब से मैं चलता, फॉलो नहीं करूँ मैं। जैसे कि आप मन जय माँ बम्बलेश्वरी पिक्चर जब बनी से, तो सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड से तब से आप जुड़े हो, हाँ। तो सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड तो ऐसे सब कलाकार मन ला छोटे बड़े सब कलाकार मन ला मौका दे है, आगे बढ़ा है, तो का कहना चाहते हो इसके बारे में? सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड के ऐसे एक प्लेटफॉर्म है सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड, जी हाँ, ये है कि अगर आपके लायक काम है तो बाकायदा आपला सम्मान मिलेगी है ना, तो एक कंपनी की तरह है, काम करते लगातार काम करते और बरसों से काम करते, तो बस ये है कि आपके लायक काम होना चाहिए तभी वो महत्व है उकर
है ना, जबरन जाके कलाकारी वहाँ करना वो ठीक नहीं है, तो काम आपके लायक होना चाहिए। तो सुंदरानी वीडियो वर्ड की एक खासियत है, एक फैक्ट्री है, कच्चा माल जाते हैं पक्के बाहर आते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आप मैंने बड़ सुघर गाना सुनाया हो, जैन अतिक बढ़िया हमारे स्टूडियो में पहुना आए हो, हम ओकर से दो चार ठन गाना नहीं सुने तो हम मल अच्छा नहीं लगी, तो हम चाहबो कि आप आओ जैन आप लोग पसंद है तो दो लाइन आप वो गाना ला हमला सुनाओ। गाना तो बड़ा कन बनाया हूँ, गाना के अलग इंटरव्यू करेल पड़ी। चलो बालू मारे बालू मारे बालू मारे रे रंग रे लिया छतियाला काबर मैया बाल मारे हो छतियाला काबर मैया बाल मारे तान मारे तान मारे तान मारे रे रंग रे जिया अंतस्मा काबर ताना तान मारे हो अंतस्मा काबर ताना तान मारे। बहुत बढ़िया आवाज़ है आप मन के और बड़ सुघर गाना है। अभी जिन हमारे कलाकार मन जिन हमारे साथ ना आगे बढ़ाते और सामने आते चाहे वो अभी के जनरेशन के हो चाहे वो अपन बीच के पीढ़ी ला ले लन, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहो? संदेश एक ही है कि सीखो, है ना, सीखो और करो, दो ही संदेश है कि पहले सीखना जरूरी है। काबर की ये जो हमारे जो कलाकारी जो लाइफ है ना वो थोड़ा से अलग तरह के लाइफ है, कई बार व्यक्तिगत हो जाते मामला, कई बार घर परिवार में लगे रहते, कई बार समाज में लगे रहते, लेकिन वो जो सीखे के जो भावना है ना अगर हर कलाकार अपन एक घंटा निकाल ले अपन पर तो ओकर लाइफ बन जाए, है ना। ये मेन है कि कलाकार मतलब हमेशा सीखते रहना चाहिए और सीख के करना चाहिए काम। जैसे कि आप मन के हो कि कलाकार माला सीखना चाहिए और हमर जैसे कि अभी राजनांदगांव में आप जैसे राजनांदगांव के हो तो राजनांदगांव के महू हर हो, शांति नगर में मोर फैमिली रहते मोर परिवार रहते। अच्छा। तो अभी एक ठुक दुर्घटना हुई से जो हमारे कलाकार भाई सूरज गीसा है, तो का कलाकार मन के लिए सरकार ला कुछ ऐसे करना चाहिए जेकर से कलाकार मन के कम से कम कुछ दुख बट सके हल्का हो सके? नहीं, एकर मामले में मैं थोड़ा विरोधाभासी हूँ। मामला यह है कि कोई भी सरकार आपला कलाकार बनो ऐसे नहीं बोले, कलाकार आप खुद चुनते हो, है ना, आपके चुनाव हैं, ठीक है। तो जब आपके चुनाव हैं तो सरकार का बड़ जिम्मेदार ली, वो आपके चुनाव हैं, आप पैसा जोड़ो कमाओ ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, सरकार के मुंह देखना बेकार काम है, आप अपन गट से तो काम करो, ये है मैं। जैसे कि ये तो आपके रियल लाइफ है जितना सारा विधा से आप जुड़े हो, रियल लाइफ में आप कैसे रहना पसंद करते हो? रियल लाइफ में मैं फक्कड़ हूँ, एकदम फक्कड़ाना रहता हूँ, है ना, मतलब खुश मिजाज। हाँ, खुश मिजाज हूँ, कभी एकांत रहते हैं, कभी घूमे चल देते हूँ, कभी कहीं जाग बैठ रहता हूँ, ऐसे चलते चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गुंताड़ा चला रहते कलाकारी में, तो फक्कड़ाना है दिमाग में, वही कलाकारी है। आगे आप मन का सोचे हो अपन बारे में, आगे आप मन का करना चाहते हो, का करे की इसे इच्छा है? आगे ये है कि मैं कुछ अच्छा तरह के फिल्म यहाँ के जो छत्तीसगढ़ी के है वोला मैं करना चाहूँ ज़रूर, और अभी चूंकि बहुत सारा मैं हिंदी भी फिल्म कराता हूँ, भोजपुरी में भी कराता हूँ, लेकिन मैं खुद जब निर्देशन करूँ तो कुछ यहाँ के जो चीज़ है, यहाँ के जो माटी की खुशबू है, यहाँ की संस्कृति है, वोला मैं ढंग से बाहर करूँ, वो भी व्यवसायीकरण के साथ, वो मोर इच्छा है, कुछ अच्छा फिल्म बनाओ ये इच्छा है। जैसे कि आप बताओ कि हिंदी और अलग अग- अलग भाषा के पिक्चर में घलो आप मन अपन वो करते हो, तो कौन से भाषा में जैसे कि हिंदी हो छत्तीसगढ़ी हो मराठी हो तेलुगु हो, तो कौन से भाषा में आपका मजा आते काम करने में? कोई कलाकार कोई अपन भाषा नहीं हो, कलाकार के तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होते है ना, एक्टर के खास तौर पर, तो एक्टर ने तो जो रंग में ढाल ले वो रंग में ढल जाते है ना, पानी है तो कई भी रंग में मिल जाते, तो वो एक अलग तरह की चीज़ है। लेकिन अगर मोर मूल भाषा अगर बोली बोला जाए तो मोर मूल बोली तो छत्तीसगढ़ी है, तो घर में तो हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, है ना, घर में हिंदी नहीं चले, तो वो हिसाब से मैं छत्तीसगढ़ी ही ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। अब चूंकि हिंदी थिएटर के हों, अब ये हिंदी भी बेल्ट है, तो हिंदी भी महत्वपूर्ण है मोर पर।
जैसे कि आप मन आते का निर्माता निर्देशक हो, आप खुद ही निर्माता निर्देशक हो, तो जे निर्माता निर्देशक साथ आप मन काम करे हो तो कौन से निर्माता और निर्देशक साथ आपला मजा है काम करे में? ये तो फिर मोहन सुंदर रानी की बात करो तो आप मन है ना, ओकरे संग मजा आते का पर के घरों पर जैसे रहते हुआ। जैसे कि संजय जी धीरे धीरे हमारे थिएटर मन नदावा थे और अब मल्टीप्लेक्स में पिक्चर मन अलग थे, तो ऐसे कावर हुआ थे और खाली का होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सरकार ला सिंगल थिएटर के जो पंजीयन होते ओकर सरलीकरण करना जरूरी है। जब तक वो है कॉम्प्लिकेटेड रही तब तक ये कर मामला हल नहीं हुआ। दूसरा चीज़ ये है कि मैं हमेशा निर्माता मन ला की थो कि भैया फिल्म बनाने से अच्छा जो है कस्बा उस्बा में एक आठन थिएटर बना लो उतने पैसा में, तो वो जीवन भर के कमाई हो जाए, है ना। तो मैं हमेशा ये बात लगती हूँ कि सिंगल थिएटर ला प्रमोट करो, काबर की मनोरंजन के एकमात्र वही साधन है लगातार देवर वो बहुत ज़रूरी है और सरकार लेकर बार आगे आना चाहिए, सरलीकरण करना चाहिए रजिस्ट्रेशन ला, तब जाके यहाँ के फिल्म जगत के उद्धार हुई। ताकि हमारे जिन गांव के रहैया है जिन मन यहाँ तक पहुँच नहीं सके कम से कम वह मन जाके देख सके। मेन वही चीज़ है ना कि भाई थिएटर वहाँ तक पहुँच जाए तो भाई शहर में आए की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि गांव-गांव थिएटर होना चाहिए, कम से कम ये है कि 50,000 की आबादी में एक सिंगल थिएटर होना ही चाहिए, तब जाके यहाँ के इंडस्ट्री और यहाँ के संस्कार संस्कृति है आगे बढ़े। जैसे कि अभी हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया छत्तीसगढ़ी पिक्चर सिनेमाघर में लगी से वो मन फ्लॉप हो गई, तो एक का कारण हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ के जत्तिक निर्माता निर्देशक लेखक है वो बैठ के मनन करें और ये सोचे कि हम चार ठन हिंदी फिल्म देख के फिल्म बनाबो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाबो, है ना। तो पहले मनन कर ले, छत्तीसगढ़ी के कंटेंट लेके आवे, छत्तीसगढ़ी के कथानक लेके आवे, ओकर बाद फिल्म बनावे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्क्रीन प्ले और स्टोरी बोर्ड पर काम करें, काबर कि यहाँ के एक भी आदमी स्क्रीन प्ले और स्टोरी बोर्ड पर काम नहीं करें, है ना। तो स्क्रीन प्ले और स्टोरी बोर्ड पर काम करिए तो एक अच्छा फिल्म बने, तब जाके वो है थिएटर में एक दर्शक मल्ला बढ़िया लगी वह फिल्म है। जैसे कि अभी आपके एक ठन पिक्चर बहुत अवैया है जब आप मन एक्टिंग करे हो तो क्या भूमिका निभाए हो आप मन? अभी मैं उसमें हीरो के पिता के रोल करत हूँ और थोड़ा सा एग्रेसिव करेक्टर है मोर, तो अभी शूटिंग चलते छे, वो हो सकते बहुत जल्दी आए। तो आगे भी आप मन जो हमारे पिक्चर बनी ते में एक्टिंग करना? हाँ मैं एक्टिंग में ही अब आता हूँ मैं, है ना, काबर के अब एक्टिंग में बलौवा ज़्यादा आते हैं मतलब, है ना। काबर के पुराना एक्टर हूँ, अब जितना पुराना कलाकार मन है तो वो मन जानते हैं मतलब, अब लगातार मतलब एक्टिंग में भी बलाते हैं अब। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं आपसे एक टन सवाल पूछ रहा हूँ कलाकार मन के ऊपर से, तो फिर मेरे दिमाग में वही बात चला थी, तो का वो बात ला मैं अगर हटा के दूसरा बात आप मन से पूछ सकता हूँ, कलाकार मन पर कुछ सीखे बर का एक प्रशिक्षण सरकार ला करवाना चाहिए, प्रशिक्षण केंद्र खुलवाना चाहिए? बिल्कुल खुलवाना चाहिए, काबर की यहाँ प्रशिक्षण केंद्र की बहुत आवश्यकता है, खासतौर पर थिएटर प्रमोट करे सरकार, हाँ थिएटर ला प्रमोट करे, थिएटर करवाए, प्रशिक्षण संस्थान खुलवाए, तो वो में बाकायदा डिग्री डिप्लोमा कोर्स हो वो बहुत ज़रूरी है एक्टिंग में, दूसरा विधा में भी, कैमरा में भी, डायरेक्शन में भी, तब काहे नया नया लेकर मना ही, तब कुछ अच्छा चीज़ यहाँ होना शुरू हुई। काबर कि हम बोलते हैं जरूर कि छत्तीसगढ़ संस्कारधानी है, लेकिन संस्कार कहाँ हैं? संस्कार तो पैदा होते ही होना चाहिए ना, कि हमारे घर घर में कलाकारी होना चाहिए। जैसे साउथ में कहा होते हर घर में एक कलाकार, बंगाल में कहा होते हर घर में एक ठन हारमोनियम पड़े हैं, तो वो चीज़ जब तक यहाँ नहीं हुई, काबर की जहाँ भी संस्कार कला के हुई वहाँ कला पनपी, वहीं इंडस्ट्री पनपी। छत्तीसगढ़ी पिक्चर के बात करते हैं तो का कैसा टाइप के पिक्चर बनना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में? हर तरह की फिल्म बनना चाहिए, हमें कहा है एक्सपेरिमेंट फिल्म बनना चाहिए, कॉमेडी फिल्म बनना चाहिए, एक्शन फिल्म बनना चाहिए, पारिवारिक फिल्म बनना चाहिए, धार्मिक फिल्म बनना चाहिए। मैं अभी धार्मिक फिल्म करा था, क्या पैक बोला था मतलब सभी टाइप के, सभी तरह के फिल्म बनना चाहिए। तो संजय मैथिल जी आप मन सुंदरानी स्टूडियो में अतका अपन कीमती समय दो और हमारे मन से गोट बात करे हो, हमारे संगवारी मन से रूबरू हो, हमारे संगवारी मन घलो जान गए कि जिन पर्दा के पीछे रही के बड़े बड़े काम करते तो वो यही संजय मैथिल जी है। तो जावत जावत आपकी आवाज़ अतका सुगर है कि मैं बार बार सुनने का मन लगा था, मोर बस चलते समय तो मतलब सुनते ही रहते हूँ, तो जावत जावत आप दो लाइन और कोई बढ़िया से गाना सुना। मैं आप मतलब
छत्तीसगढ़ी देवार शैली के दो लाइन सुनाता हूँ और देवार शैली में ही गावत अरे वो है जवानी के वो गगरी, अरे वो है जवानी के वो गगरी, हाँ वो है जवानी के गगरी रे टूरी है, कुछ कहीं चाही तो ला बपरी, अरे कुछ कहीं चाही तो ला बपरी रे टूरी है, वो है जवानी के वो गगरी। बहुत बढ़िया। तो संगवारी हो, आपके अंदर घलो कुछ हुनर हुई, कुछ टैलेंट हुई, चाहे वो गीतकार में हो, चाहे संगीतकार में हो, चाहे आप विलन बनना चाहते हो, चाहे हीरो चाहे हीरोइन कुछ भी, तो हमारे सुनरानी स्टूडियो में आके, हमारे सुनरानी परिवार में आके अपन मुलाकात करो, संपर्क करो और अपन हुनर ला बताओ और संगवारी मन तक पहुँचाओ। तो हमारा पता है सुनरानी वीडियो वर्ल्ड मौदा पारा। तो संगवारी हो, आज के हमारे पहुनर ही से संजय मैथिल जी, जिन एक्टर है, गीतकार है, संगीतकार है, निर्देशक है और ओकर अंदर विकट अगन गुण भरा है। तो ऐसने ही नवा पहुना के साथ आप मन से फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए मोला दो इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।